हे गाइस, वेलकम बैक टू एज आर्ट्स। और सबसे पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर 2023 की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो पिछले साल मैंने आपको बताया था कि आप लोग कैसे आउटलाइंस ड्रॉ कर सकते हो लॉर्ड हनुमान जी की, और उस वीडियो में मैंने आपको एक टारगेट दिया था, वो टारगेट आपने एक हफ्ते में ही कम्प्लीट कर दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि आप लोग जैसे ही टारगेट कंप्लीट करोगे मैं शेडिंग के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, तो ये रही शेडिंग के ऊपर वीडियो, और ये डिटेल्ड शेडिंग वीडियो है, तो एंजॉय करो और देखो और सीखो। ओके गाइस, तो शुरू करते हैं शेडिंग। और सबसे पहले मैं बता दूँ मैं पेंसिल्स कौन सी यूज़ कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ HB, 2B और 4B, तो इन तीनों पेंसिल्स का यूज़ करके मैं इस ड्राइंग को शेड करने वाला हूँ। ओके, तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले HB पेंसिल से। तो यहाँ पे मैं पहले आईब्रोज को शेड कर रहा हूँ, और उसके बाद धीरे धीरे पूरी ड्राइंग को, मतलब पूरे फेस को पहले कम्प्लीटली HB से ही हल्के हाथों शेड कर लूँगा। ठीक है, तो ज़्यादा डार्क और ज़्यादा प्रेशर मतलब अप्लाई करना फर्स्ट टाइम, क्योंकि इसके बाद हम लोग इस पर लेयर बाय लेयर जो है वो काम करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं 2B का यूज़ करके यहाँ थोड़ा डार्क करने वाला हूँ। ओके, जैसे आईज़ के अंडर आईब्रोज़ को थोड़ा सा और डार्क कर देता हूँ, जिससे हमारी जो शेडोज़ हैं वो और अच्छे से यहाँ पे दिखाई देंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप पूरी ड्राइंग को शेड करना है हमें। पहले हम HB का यूज़ करके हल्के हाथों शेड करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग जहाँ हमें डार्क लग रहा है, जहाँ डार्कर एरियाज़ हैं, वहाँ पर हम लोग 2B और 4B से डार्क करेंगे। ठीक है, तो एकदम 2B का इस्तेमाल करके या 4B का इस्तेमाल नहीं करना, धीरे धीरे करना है, लेयर बाय लेयर, मतलब पहले HB, 2B और फिर 4B। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग चलते रहेंगे। और अब मैं यहाँ पे हेयर्स को शेड कर रहा हूँ। ठीक है, तो मैं हेयर्स की डायरेक्शन को पहले फॉलो कर रहा हूँ, जिस डायरेक्शन में हेयर्स जा रहे हैं उस चीज़ को मैं यहाँ पे फॉलो कर रहा हूँ। और सबसे पहले मैं नीचे से शेड कर रहा हूँ 2B पेंसिल का यूज़ करके अभी भी यहाँ पे। ठीक है, तो नीचे से शेड कर रहा हूँ और फिर ऊपर की तरफ से शेड कर रहा हूँ, तो बीच वाले में थोड़ा सा छोड़ दे रहा हूँ, जिससे यहाँ पे हाईलाइट्स क्रिएट हो जाए। हाईलाइट्स मतलब जो रोशनी जो पड़ रही है लाइट की, वो यहाँ पे रिफ्लेक्शन है, वो दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से शेड करना है हेयर्स को, और सिमिलरली इसी तरह हम बियर्ड वगैरह को भी शेड करेंगे। ठीक है, जो साइड वाले हेयर्स हैं उन्हें भी हम ऐसे शेड करेंगे, पहले नीचे शेड कर लेंगे, फिर थोड़ा सा ऊपर से, और बीच में थोड़ा सा छोड़ देंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा लाइट सोर्स है वो फ्रंट से है, और इसमें वही चीज़ मैंने दिखाने की कोशिश करी है, इसलिए जो बीच वाला जो हेयर्स का पार्ट है वहाँ पे थोड़ी हाईलाइट हमारी जो है वो शो हो रही है। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे। और अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो जस्ट फॉलो मी, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वैसे आप ड्रॉ करो और शेड करो। अब मैं धीरे धीरे प्रेशर को जो है वो थोड़ा सा हार्ड कर रहा हूँ, और जहाँ पे डार्कर लग रहा है वहाँ पे थोड़ा सा और डार्क करने की कोशिश कर रहा हूँ। 2B का यूज़ करते हुए अभी मैं 2B का यूज़ कर रहा हूँ, 4B अभी मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया है। तो अब अगेन मैं HB का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे साइड में, जो ऊपर रिबन टाइप का बना है उसको शेड करने के लिए हल्के हाथों से, और जहाँ पे क्रॉस सा आ रहा है वहाँ पे थोड़ा सा मैं डार्क कर दे रहा हूँ इसी से, क्योंकि वहाँ पे थोड़े शेडोज़ जो हैं वो हमें दिखाने का इफेक्ट आ जाएगा, तो वो चीज़ यहाँ पे देखनी है। ठीक है, अब बढ़ते नीचे, यहाँ पे हम लोग रुद्राक्ष जो माला हमने बना रखी है उसको शेड करते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं कम्प्लीटली शेड नहीं कर रहा हूँ, हल्का सा छोड़ दे रहा हूँ हाईलाइट्स, वो हाईलाइट्स हैं, थोड़ी रोशनी जो है वो चमक रही है इस तरह से। ठीक है, हल्का सा यहाँ पे माउथ पे मैं शेड कर दे रहा हूँ। ओके, तो जो क्लोथ है उसको भी शेड कर लेते हैं। तो अगेन यहाँ पे HB का यूज़ करते हुए मैं पहले कम्प्लीटली शेड कर ले रहा हूँ हल्के हाथों से, और फिर मैं धीरे धीरे जो मैंने फोल्ड्स यहाँ पे बनाए हैं उनको अब दिखाने के लिए थोड़ा सा वहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहा हूँ। अभी भी HB का यूज़ कर रहा हूँ मैं, 2B का यहाँ पे यूज़ नहीं किया अभी मैंने। तो जितना HB से यहाँ पे हो सकता है पहले उतना कर लेंगे, फिर हम 2B का यूज़ करेंगे, और फिर उसके बाद अगर हमें और डार्क करना है तो हम 4B और 6B इन सब का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जितना हो सके उतना लाइट और हल्के हाथों से शेड करिए, क्योंकि अगर आप गलत कर दोगे तो फिर आपको मिटाने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 2B 4B का यूज़ करते हो तो शायद वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है वहाँ पे इरेज करना, तो इसलिए लेयर बाय लेयर चलेंगे। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे साइड में मैं अब हैंड्स को भी हम इसी तरह शेड कर लेंगे। तो जो हैंड्स की जो फॉर्म है, जो हमारा हैंड है वो थोड़ा सर्कुलर सा होता है,
तो वो चीज़ दिखाने के लिए मैं पहले यहाँ पे साइड में शेड करूँगा और फिर जो बीच वाला हिस्सा है वहाँ पे थोड़ा सा छोड़ दूंगा, वहाँ हाइलाइट्स जो है हमारी वो दिखाएंगी। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे होंगे अभी वीडियो में उसी तरह से आपको शेड करते रहना है। और फिर हम लोग बढ़ेंगे 2B से शेड करने की तरफ। अगेन मैं यहाँ पे जो हमने साइड में जो हमारे शोल्डर में बंधे हैं रुद्राक्ष उनको भी शेड कर लिया इसी तरह। ठीक है, अब 2B का यूज़ करेंगे और अब हम लोग जो अभी तक हमने शेड किया है उसको थोड़ा और बढ़ाएंगे, वैल्यू बढ़ाएंगे, वहाँ पे थोड़ा डार्क करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अब आप लोग देख रहे होंगे कितने अच्छे से यहाँ पे जो हमारे हाथ की जो फॉर्म है वो दिखने लग गई है और जो हाइलाइट्स हैं वो भी शो होने लग गए हैं। तो इसी तरह से सेम हम दूसरे हाथ को भी शेड करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम लोग बढ़ते हैं जो हमारी बॉडी है, हमारा चेस्ट वगैरह है और जो एब्डोमेन है वहाँ पर शेड करेंगे हम। ठीक है, तो जो हमारे जो चेस्ट है वो थोड़ा सा राउंड होता है, यहाँ पे मस्कुलर बॉडी है तो इसलिए मैं पहले जो बाहर वाले हिस्सा है मतलब चेस्ट जो बाहर वाला हिस्सा है वहाँ पे शेड कर रहा हूँ और फिर उसको बीच में एकदम सेंटर में लेके जा रहा हूँ। तो इस तरह से मैं शेड कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं HB यूज़ कर रहा हूँ पेंसिल। ठीक है, तो HB से यूज़ करेंगे पहले हम, फिर उसके बाद जब हमें लगेगा कि अभी और डार्क करना है तो 2B का यूज़ करेंगे और अगर लगता है कि और डार्क करना है तो 4B का यूज़ करेंगे। तो इस तरह से हम लोग शेडिंग करते आएंगे। ठीक है, और नीचे वाले हिस्से में मैंने कम्प्लीटली पहले HB से शेड किया है और फिर जो हमारे 6 packs है वहाँ पे हमने थोड़ा सा जो है डार्कली शेड कर दिया है जिससे जो 6 packs हैं वो क्लियरली दिख जाएँ। ठीक है, और बाकी के जो साइड में मसल्स हैं जो वो भी दिख जाएँ। ठीक है, अगेन अब जो दूसरा वाला हाथ है हमारा वो भी हम पहले जैसे हमने शेड किया था वैसे ही कर लेंगे शेड। ठीक है, पहले HB का यूज़ करके और फिर उसके बाद 2B से उसकी जो वैल्यू है वो थोड़ा डार्क करके। ठीक है, अगेन यहाँ पे बेल्ट भी जो है बेल्ट आई गेस ये है तो इसको भी शायद हम लोग शेड कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने डार्क जो है वो अप्लाई कर दिया 2B से यूज़ करते हुए। अब नीचे बढ़ेंगे हम धोती की तरफ। हमने धोती कैसे ड्रॉ करेंगे, तो कम्प्लीटली मैंने फेस अगेन यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा है उसको मैं पहले शेड कर ले रहा हूँ HB से ही और फिर धीरे धीरे जो 2B का यूज़ करके। तो यहाँ पे जितने भी जो डार्कर एरियाज़ हो सकते हैं जो पॉसिबल हैं वो मैं यहाँ पे शेड कर दे रहा हूँ। ठीक है, और अब बढ़ते हैं हम लोग टेल की तरफ। तो टेल को हम कैसे भूल सकते हैं, टेल भी हम शेड कर लेते हैं ठीक इसी तरह जैसे अभी तक करते आ रहे हैं। तो पहले HB का यूज़ किया और फिर साइड में जितना है वो 2B से मैंने शेड कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रह गया था नीचे वाला पार्ट तो वो भी शेड कर देते हैं। एंड अब हम लोग बढ़ते हैं इसको ब्लेंड करने के लिए। तो ब्लेंड करने के लिए मैं यहाँ पे ब्रश का यूज़ कर रहा हूँ और ये नॉर्मल पेंट ब्रश है तो इसका यूज़ कर रहा हूँ। आपके पास हो तो आप यूज़ कर सकते हो, अदरवाइज़ आप कॉटन ईयरबड का भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो हल्के हाथों से हम पूरा ब्लेंड कर लेंगे इसको। ओके, तो अब बढ़ते हैं हम 4B की तरफ और यहाँ पे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन हो रहा है क्योंकि जो मैंने एक यहाँ पे आर्टिफिशियल लाइट लगा रखी है जिसकी वजह से यहाँ पे लाइट जो है वो ग्रेफाइट जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इतने अच्छे से आपको शायद यहाँ पे शेडिंग दिखाई नहीं दे रही होगी। तो इसलिए मैं थोड़ा एंगल चेंज करता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कि आप कैसे शेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे 4B का एक्चुअली मैं यूज़ कर रहा हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है ग्रेफाइट वो है शाइन कर रहा है, इस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो फेस हो रही है। ठीक है, तो अभी आपको देख रहे होंगे आप जो मैंने फेस है उसमें थोड़ा सा 4B का यूज़ किया है जहाँ पर मुझे डार्कर लग रहा था। ठीक है, और बस यही था इस ट्यूटोरियल में और अब मैं फाइनल रिजल्ट दिखाता हूँ आपको तो आप उसको उससे अपनी ड्राइंग को मैच कर सकते हो और स्क्रीनशॉट ले सकते हो उस ड्राइंग का। ठीक है, तो ये है वो फाइनल रिजल्ट्स। तो हमने कम्प्लीटली शेड कर लिया है एंड आई होप कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई इस ड्राइंग को शेड करने में। और अभी आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे एक जो आउटलाइन है और जो शेडिंग वाला पिक्चर है मैंने यहाँ पे पिन कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो और फिर ड्रॉ कर सकते हो इस स्क्रीनशॉट को देखकर। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी एंड और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ड्राइंग।